गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं वुड्स रिएक्शन। देन व्हाट इज द वुड्स रिएक्शन? व्हेन अ हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विथ अनदर हेलो एल्केन आइडेंटिकल, अगर ये क्लोरोएथेन है तो ये भी क्लोरोएथेन, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर इट फॉर्म्स डाइमेरिक एल्केन। दो दो कार्बन के सिस्टम में तो चार कार्बन का एल्केन होता है। क्लोरीन यहाँ से हट जाता है, सोडियम के साथ चला जाता है और ये कंपाउंड आपस में कंबाइन कर जाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ पे जब हम बात करें, अगर हम बात करें इसके लिमिटेशन की, तो वुड्स रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इवन कार्बन सिस्टम ही बना सकता है। ऑड कार्बन सिस्टम बनाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब हम ऑड कार्बन सिस्टम बनाते हैं, मान लेते हैं तीन कार्बन का सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक एथिल लेंगे, एक मेथिल लेंगे, तभी तो दो और एक मिलके तीन होगा। एक मेथिल हैलाइड ले लेंगे, एक एथिल हैलाइड ले लेंगे। अब ऐसा होने पर आपके साथ बाई प्रोडक्ट भी मिलने लगेंगे। जब एथिल और एथिल मेथिल मिलेगा, दो कार्बन और एक कार्बन, तो दो और एक मिलके कितने बनाएंगे? तीन कार्बन का सिस्टम, यानी प्रोपेन। लेकिन जब मेथिल खुद से रिएक्ट कर जाएगा, मेथिल विथ मेथिल, यह क्या बनाएगा? एथेन। और अगर एथिल विथ एथिल तो ब्यूटेन, यानी प्रोपेन के साथ बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एथेन एंड ब्यूटेन, जिनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। इस वजह से उनको फिजिकली सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। सो वुड्स रिएक्शन इज नॉट प्रिफर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑड कार्बन सिस्टम बिकॉज द बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। लेकिन यहाँ पे हमने तीन तीन रिएक्शन क्यों लिख रखा है? यहाँ पे देखिए सेम रिएक्शन दिख रहा है। दो हेलो एरिन्स हैं जिसको हमने सोडियम और ड्राई ईथर से ट्रीट किया, बिल्कुल पहले जैसा ही रिएक्शन हुआ, बट इट इज नॉट अ वुड्स रिएक्शन। वुड्स में कहा गया व्हेन हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर, बट दीज आर द कंपाउंड्स आर नॉट द हेलो एल्केन्स। तो ये क्या है? दे आर हेलो एरिन्स। और इसके लिए रिएक्शन किसने दिया? इट वॉज नॉट द वुड्स, इट वॉज मिस्टर फिटिग। सो द रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन। तो अगर हेलो एल्केन्स सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वुड्स रिएक्शन। और अगर हेलो एरिन्स रिएक्ट करते हैं सोडियम एंड ड्राई ईथर से और सेम रिएक्शन में जाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड द फिटिग रिएक्शन। लेकिन यहां देखिए, ये है आपका हेलो एरिन, द रिएक्टेंट यूज्ड इन द फिटिग रिएक्शन, और यहाँ पे है हेलो एल्केन, द रिएक्टेंट यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन। अब क्या बोलें, वुड्स बोलें या फिटिग बोलें? एक्चुअली इसे दोनों को मिला के बोल दिया जाता है, सो इट इज कॉल्ड वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो एक्चुअली ये तीनों रिएक्शन सेम ही हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन टेक्निकल डिफरेंस है। एक हेलो एल्केन से है, दूसरा हेलो एरिन से है, और तीसरा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं डाइफेनाइल, और कहीं कहीं पे इस कंपाउंड को डाई बाईफेनाइल भी लिखा गया, तो डाई एंड बाई दोनों का मतलब एक ही होता है। सो इट इज आइदर डाइफेनाइल और बाईफेनाइल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, बोथ आर द सेम थिंग। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट नियम रिएक्शन देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।